सब्सक्राइबर की मैं बात करूं तो मेरे जितने व्यूअर्स हैं उतने हमारे चैनल पे भी सब्सक्राइबर नहीं है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे, और मेरी यही मनोकामना रहेगी कि आप स्वस्थ रहिए। पहले तो 15 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ, जो मैं मान के चल रहा हूँ 15 दिन, और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है आप सभी की कि 10 दिन में मैं कैसे कुछ कराऊँ कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो और साथ के साथ आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आपके एग्ज़ाम चलेगा। अब आपका सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है, वो आप भी समझ सकते हो। यूनिट 1 के अंदर देखो, इशू ऑफ शेयर्स है, बायबैक है, बोनस इशू है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, फिर उसके बाद ईएसओपी है, फिर डिबेंचर है, फिर इशू ऑफ डिबेंचर। ये सिर्फ यूनिट 1 में से। यूनिट 2 में आपका शेयर कैपिटल है, इसके साथ साथ आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। यूनिट 3 के अंदर आपका देखा जाए तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, और फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ देखा जाए तो एमलगेमेशन, और लास्ट यूनिट जो है वो हमारा है देखा जाए तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जिसे होल्डिंग कंपनी भी कहते हैं। एक यूनिट 2 मैंने बीच में गलत बोल दिया, डिबेंचर वाला। और इतने सारे चैप्टर के अंदर खूब सारा कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा सिलेबस जर्नल एंट्री से भरा हुआ, और जर्नल एंट्री खत्म करने के बाद भी आपको उसकी वर्किंग नोट भी है, और वर्किंग नोट के साथ एक नई बैलेंस शीट आपको बनानी है जो कि आपका चैलेंजिंग है। इसलिए मैंने पहले ही नई बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस यूट्यूब पे डाल दिए। अब बच्चों की जो समस्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि सर हम किस तरीके से स्टडी करें और कैसे करें 15 दिन में कंप्लीट हो। उसके लिए स्टडी प्लान ये रहेगा कि आप जो है पहले कौन सा चैप्टर, तो आप पूरे बुक के अंदर निचोड़ देखोगे। तो अभी अभी मैं हर बार मैं बोलता हूँ पहले आप ये चैप्टर करिए, लेकिन अभी इन 15 दिनों को देखते हुए मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर पहले आपको करना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका 12th क्लास के अंदर शेयर कैपिटल स्ट्रांग था तो पहले आप शेयर कैपिटल कर लीजिए। अगर 12th क्लास में शेयर कैपिटल स्ट्रांग नहीं था तो यूनिट नंबर स्किप करिए पहले आप। अब आ जाते हैं सर, अगर 12th क्लास में शेयर कैपिटल स्ट्रांग था तो आप शेयर कैपिटल करेंगे, उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट करेंगे, सीधा शेयर कैपिटल के बाद सीधा फाइनल अकाउंट। अगर आपका 12th में नहीं था बैकग्राउंड बहुत अच्छा शेयर कैपिटल वाला, पहले आपको करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि सबने करा हुआ है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर पहले फाइनल अकाउंट, इन दोनों में से कोई चैप्टर पहले करिए। 1 से 2 दिन लगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं फाइनल अकाउंट का इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बैलेंस शीट बनाना है। अब फाइनल अकाउंट करेंगे, कैश फ्लो करेंगे, इसको आप ज्यादा से ज्यादा देखें तो 3 दिन में खत्म कर सकते हैं, 3 से 4 दिन में, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन उठा लीजिए जो कि हो चुका है। इसके बाद आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद फिर आप बैक आ जाइए, आप यूनिट नंबर 1 के ऊपर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करिए, इसके अंदर 2 दिन लगने हैं। फिर आप बाय बैक और बोनस करिए, इसके अंदर 1 दिन में ही दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। इसके बाद फिर आप बोनस इशू बाय बैक के बाद फिर आप ईसॉप को करिए, वो भी 1 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये सारा कुछ प्लान है आपका जो कि आपने करना है। अब काफी सारे बच्चों का डिमांड था कि सर वीडियो के ऊपर स्टार लगा दो, तो आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो के ऊपर स्टार, और स्टार ही नहीं बल्कि हर एक टॉपिक, यानी अब बच्चा जो है बहुत इजी तरीके से एनालिसिस कर सकता है कि कौन सा टॉपिक पहले करना है। साथ के साथ मार्क में देखिए, 10 ईयर तो आ ही गया है आपका, 10 ईयर ले रखा है, तो 10 ईयर के अंदर सारे टॉपिक वाइज भी डाले हैं और बुक के अंदर भी। सबसे बड़ी मुझे जो चिंता है कि पेपर जो अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, तो हम इतनी तैयारी आपकी करवा दें कि आपका पेपर कैसे भी पूछा जाए, किसी हाल में भी पूछा जाए, आप अंडरस्टैंड कर पाओ उस पेपर। उसके लिए मैंने जो सामने आपको दिख रहा है, मैंने जो चार्ट बनाया है, चार्ट के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 1 शेयर क्या होता है, वीडियो नंबर 1 इतने मिनट का है, और वीडियो नंबर 1 के अंदर कॉन्सेप्ट कराया गया, वीडियो नंबर 2 के अंदर आपको कराया गया कि जर्नल कैसे किया जाए, और साथ के साथ वो इतने मिनट का है। वीडियो नंबर 3 में, 4 में, 5 में हर जगह बताया गया कि इसमें फोर फीचर बताया गया, इसमें प्रोडाटा बताया गया। ये साथ के साथ सभी चैप्टर के ही इसी तरीके से हमने नोट्स एक एक्सेल शीट पे तैयार किया है, काफी मेहनत लगी।
और उसको हमने कंटेंट में एप्लीकेशन के डाल दिया। लेकिन यूट्यूब वाले बच्चे बोलेंगे सर हम कैसे कर पाएंगे, मैं आपको ये शीट अगर प्रोवाइड भी कर देता हूँ तो आपको इसका बेनिफिट खासा नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा सर इसका बेनिफिट खासा? रीजन बीइंग कि इसके अंदर आपका मेनली देखा जाए तो यूट्यूब पे जो वीडियो डल रही है उसका सीक्वेंसिंग अलग है, और जो हमारे एप्लीकेशन पे होता है उसका सीक्वेंसिंग अलग है। उसके पीछे कारण, क्योंकि हम जो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं वो, या फिर लाइव क्लास ले रहे हैं वो शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। इनफैक्ट अब रेगुलर क्लास हो जाएगी उनकी, और दिन में भी क्लास होती है, एक दिन में 3 दिन क्लासेस चल रही है, तो बहुत ज्यादा वीडियो उनके बन जाते हैं, और यूट्यूब पे कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, तो उसका टाइम लगता है। तो ये बातें थी सारी जिसका आपको देखना है। और मैं अगर बात करूं कि सर यूट्यूब पे अब जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं उनको तो सारी जानकारी मैंने दे दी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि सर अभी कॉस्ट अकाउंट का जो था हमने 350 का बैच कर दिया, क्योंकि 15 दिन, 10 से 15 दिन है। तो जो भी सारी चीजें हैं मैंने बोला कि भैया बच्चों का सिलेबस जल्दी से जल्दी जो बच्चा खत्म करना चाहता है कर लेगा। 350 एक नॉमिनल सा प्राइस, और ज्यादा प्राइस वो आप डिसाइड करेंगे। बाकी यूट्यूब पे मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन यूट्यूब पे इतने अच्छे से कस्टमाइजेशन करना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, विद नोट्स, विद क्लास नोट्स, आप तो वो चीजें आपको एक चीज मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब से कर रहे हैं तो यूट्यूब पे भी मैं रेगुलर क्लासेस, देखिए 2 क्लासेस भी दिन में डाल रहा था मैं, और फ्रिक्वेंटली बढ़ा दूंगा नंबर ऑफ वीडियो। बस फर्क इतना रहेगा एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस हैं और यूट्यूब पे लाइव क्लास नहीं है। एप्लीकेशन पे वीडियो नंबर कम हो जाएंगे, कंटेंट टॉपिक वाइज क्या करना है उसका स्ट्रेटेजी पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे वो सारी चीजें नहीं है। वो नॉर्मली मैं वीडियो बनाता हूँ, बच्चे कभी देखते हैं कहाँ चले गया नहीं चले गया ये। और सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज मैं आपको बताऊँ ना एप्लीकेशन पे पढ़ने का, एड नहीं है और आपका माइंड भटकता नहीं है। हम क्या करते हैं जनरली, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते हम शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, या फिर दूसरी वीडियो के ऊपर ध्यान चला जाता है, उसमें हमारा टाइम खराब हो जाता है, मेन मुद्दे से कई बार भटक जाते हैं। तो जो बच्चे यूट्यूब से भी वीडियो देखते हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, डाउनलोड करके देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा, जो कि बेटर रहेगा। और एप्लीकेशन पे तो सारे फीचर सही। सर आप कोर्स जो है 350 का कूपन कोड आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, और कूपन कोड बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा कौन सा कूपन कोड अप्लाई करना है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं काफी इस चीज को लेके आपके लिए एक प्लान भी लेके आने वाला हूँ, होपफुली कल शाम तक एक स्टडी प्लान लेके आऊंगा जिसमें कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और साथ के साथ हम बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो बस आपको एक यही जानकारी देनी थी कि आपका कॉर्पोरेट अकाउंट का सिलेबस थोड़ा लेंदी है, तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। बहुत सारे बच्चे ना बहुत टाइम, क्योंकि ये पेपर कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब, ये पेपर में बैक आने का मतलब, ईआर आने का मतलब, या आप कंपार्टमेंट बोल लो आने का मतलब, बहुत ज्यादा दुख देगा आने वाले 6 सेमेस्टर में। आपके सारे के सारे ड्रीम रखी रह जाएगी। हम बच्चों से बात करते हैं तो वो कहते हैं सर हमने सीए कर रहा था ना, हमने सेमेस्टर 1 दिया 2 दिया, नहीं कुछ दिया। आप जाके देखिए सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 5 के अंदर हालात ऐसे हैं कि हर बच्चे का, बहुत सारे बच्चों का एक पेपर में ईआर दे रखा है, बैक दिया हुआ है, जिससे उनका पूरा साल बर्बाद हो गया। वो डीयू के चक्कर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा, इतनी जल्दी रिजल्ट मिलने वाला नहीं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा सिर्फ, और इतना ही कहूंगा कि मन लगा के पढ़िए, और जितना मेरे से हो सकता है ना आप सभी के लिए वो सारी चीजें मैं आपके लिए करूंगा। दूसरी बात जाते जाते ये कहूंगा कि सब्सक्राइबर की मैं बात करूं तो मेरे जितने व्यूअर्स हैं उतने हमारे चैनल पे भी सब्सक्राइबर नहीं है। सब्सक्राइबर डेली बेसिस पे ऐसा नहीं है कि घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मोटिवेटेड हूं, लेकिन एक होना चाहिए कि इतने सब्सक्राइबर हैं, वो नहीं है। वो आपके रीजंस है कि आपको लगता है कि हमने क्लासेस ले ली और सब्सक्राइब, तो आपका कोई, अगर आप चाहते हैं सब्सक्राइब करना तो मैं यही कहूंगा कि भैया अगर मेरा भी एक ऐसा अमाउंट हो, मेरा एक सपना है और उस सपना को मैं किसी भी कीमत पे पूरा करूंगा, मैं बीकॉम के एक कोर्स में सारे कोर्स लेके आऊंगा और पूरा कोर्स मैं करवाने वाला हूँ, लेके आऊंगा, जो मुझे टाइम लगेगा। टाइम का मतलब सीधी सी बात करें तो हर काम को करने के लिए पता है क्या लग जाता है? पैसा।
और पैसे की बात करें तो पैसा जो लगता है हर काम को करने के लिए, और आजकल के टाइम पे महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक छोटा सा सर्वर लेने जाओ 50,000 1 लाख रुपए ले जाओ। और मेरा ऑब्जेक्टिव है 199 रुपए से ऊपर का कोई कोर्स होना ही नहीं चाहिए। हम 199 रुपए आपसे इसलिए वसूलना चाहते हैं कि हमारे जो खर्चे हैं बेसिक वो चल पाए, और दूसरा बच्चों से हम 199 रुपए इसलिए कोर्स रखना चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ो। और आप कभी ये ना सोचो कि मैंने 12वीं क्लास, क्योंकि 12वीं क्लास तक मम्मी और पापा कैसे न कैसे मैनेज करके पढ़ाते हैं, 12वीं क्लास के बाद पेरेंट्स भी बोल देते हैं बच्चे तू, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे ऐसे होंगे जिनको मजबूरन अपने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से नौकरी जॉब करनी पड़ जाती होगी, और जॉब करने के बाद वो बच्चा अपना ग्रेजुएशन ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप करना मेरे बहुत दुख की बात, मैं बोलूँ ना आप अपने क्लास के अंदर पूछिएगा, अगर आपके क्लास में 50 बच्चे थे तो उसमें से लगभग लगभग 10 से 15 बच्चे, जो कि 20 से 25% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन छोड़ दी होगी। क्यों छोड़ दिया? रीजन जॉब पे चले गए, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रहा, और साथ के साथ पढ़ना कैसे है, पेपर कैसे देना हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि बीकॉम एक ऐसा हमारा कोर्स है, बीकॉम एक ऐसा हमारा सिलेबस इसके अंदर डाला हुआ है कि आप सिर्फ बुक पढ़ के नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए, जिसके लिए आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। तो मात्र 199 में ये आपका हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ, कुछ बच्चे सेमेस्टर 3 के अंदर पास आउट हुए थे, तो जिन बच्चों के A+ है, जिन बच्चों के ए या ओ मार्क्स है इनकम टैक्स के अंदर, ए या ओ मार्क्स है इनकम टैक्स के अंदर, दैट इज ए, अब आई डोंट नो, मार्कशीट भेजिए, जितने परसेंट उनका डिस्काउंट होगा ए और वो, उनको अगर देखो 350 भी एक प्राइस कम भी और ज्यादा भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जिन बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प चाहिए प्लीज उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, अपने मार्कशीट भेजें। जो जेन्युइन बच्चे पढ़ने वाले हैं ए और ओ मार्क्स आए लेकिन नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए हम बेस्ट से बेस्ट एक नॉमिनल सा फीस चाहे हमें कितना भी कम से कम उनके लिए हम करने वाले हैं। बस उम्मीद है आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, और चैनल को लाइक करिए शेयर करिए क्योंकि सब्सक्राइबर का कम है मेरा। मैं जो कह रहा था मैं दोबारा उस पर रिपीट करूंगा, अगर मेरे मान लेते हैं कि मेरे भी देखिए हमारा जो चैनल है इस पर सिर्फ और सिर्फ विजिटर जो है वो अपने काम से आता है, और उनको सिर्फ स्टडी से मतलब, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, हम कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे जो हर बच्चा देखेगा। जैसे कि हम अगर मैं कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ा रहा हूँ तो आपका दोस्त साइंस वाला है उसको मतलब ही नहीं है, रत्ती भर के सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो मेरे चैनल की ग्रोथ बहुत धीरे होगी ये अच्छे तरीके से जानता हूँ, फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन हाँ मान लेते हैं कि अभी फॉर एग्जाम्पल 28,000 सब्सक्राइबर हैं, और इन शॉर्ट बहुत जल्दी अगर मैं गारंटी देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर 50,000 सब्सक्राइबर जैसे होते हैं मैं श्योरिटी देता हूँ मैं कोर्स 199 का फटाफट कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत यूट्यूब से मॉनेटरी बेनिफिट होगा, फिर एक सब्सक्राइबर होगा, फिर और कहीं से हम टीचर्स को जोड़ेंगे, क्योंकि मैं अभी टीचर्स को भी जोड़ना चाहता हूँ ना कि आइए मेरे पास पढ़ाइए। और मैंने इनफैक्ट कई बार बोला कि मैं आपको 500 आवर रुपीज दूंगा, तो वो सोचते हैं यार क्या ट्यूशन है, क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, चैनल वगैरह को देखते हैं वो सारी चीजें, तो हमसे ना जुड़ना नहीं चाह रहे एम्प्लॉय। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि आप खुद भी वहां जॉब करना पसंद करोगे जहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पहले से है, तो बड़ा बनने के लिए तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा ना। तो जैसे कि मान लेते हैं कि 50,000 सब्सक्राइबर भी एटलीस्ट हो, एक हैंडसम अमाउंट होता है, मुझे प्ले बटन व्ले बटन से कुछ नहीं करना, तो एक 50,000 का सब्सक्राइबर हो तो उससे क्या रहेगा कि कुछ टीचर्स को मैं अपने साथ जोड़ पाऊँ जो आपके लिए मेहनत कर पाएगा। मैं कहता हूँ कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो मैं सारे कोर्स 199 रुपये में कर दूँ भाई साहब, सारे कोर्स नए नए टीचर्स को अपने साथ जोड़ूं और पूरे के पूरे सारी चीजें मैं पढ़ाना चालू करूं। बस उम्मीद होगी बातों बातों में आपसे डिस्कस करने में मन की बातों में थोड़ा सा समय ज्यादा निकल गया, लेकिन आप इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, पढ़िए मन लगा के, समय कम है टाइम कम है, मैं वीडियो फ्रिक्वेंटली आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आपके कमेंट भी मैं देखता हूँ रेंडमली, और मेरी कोशिश रहती है कि उसका रिप्लाई किया जाए, और काफी बच्चे नाराज भी हैं तो जो नाराज है उनसे मैं माफी मांगता हूँ कि भैया आप नाराज हैं मेरी वजह से, अगर कुछ बच्चों का कहना है कि सर आपकी वजह से बहुत सारी वीडियो तो वहाँ मतलब कि वीडियो जल्दी नहीं डाल रहे हैं, तो सब चीजें देखिए नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। एप्लीकेशन पे भी मैंने देखा कई बच्चे ने कमेंट किया कि सर आपकी क्लास थोड़ी सी लाइव लेट स्टार्ट होता है, मैं फेयर भी बताऊं मैं
जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं वो तो है ही है, वो पढ़ रहे हैं, जो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव चार पांच जो भी है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे उस पर काम करना है, टाइमली वीडियो अपलोड होना है, सारी चीजें। तो बस बात और ज्यादा करूंगा तो लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम किसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में जो आपके स्टडी प्लान के साथ लेके आओ।